हाय दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। आज मैं एक विशेष मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। आप सभी लोगों को पता होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट में एएमआई के रिगार्डिंग केस चल रहा है, और वो केस क्या है आपका, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और दूसरा केस यशपाल जी द्वारा डाला गया है 2019 में, वो केस चल रहा है यशपाल सिंह जडेजा वर्सेस ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। दोस्तों क्या बताऊं मैं, इस केस को लेकर के 2 साल तो यशपाल जी के केस का हो गया और ऑलरेडी 8 साल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के केस का हो गया होगा। अगर हम बात करें ये केस सॉल्व न होने के कारण, तो इनमें AICT का भी हाथ रहा है और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया की भी हाथ रहा है। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ जो आपको पिक्चर दिख रहा है, उस पिक्चर से कन्फर्म हो जाएगा कि टेक्निकल एजुकेशन को कौन कमांड करता है। वैसे मैं टेक्निकल एजुकेशन के प्रेजेंट टाइम में जो चेयरमैन है वो है अनिल सहस्त्रबुद्धे। अनिल सहस्त्रबुद्धे को लेकर मैं क्या बोलूँ यार, पता नहीं क्या उनके दिमाग में चलता रहता है या बच्चों से क्या दुश्मनी है क्या नहीं है, जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं और रिकॉग्निशन देने से मना कर रहे हैं। भाई इनका क्या चला जाएगा, अगर ये रिकॉग्निशन दे देते हैं तो हमें नहीं समझ रहा कि इनका कुछ चला जाएगा। बट किस तरह का जीलसी है बच्चों से, जो पोस्ट 2013 वालों को हर जगह अवॉइड किया जा रहा है, मना किया जा रहा है। वैसे कि पब्लिक नोटिस भी 2017 में AICTE ने निकाला था यार, ये गलत है यार। अब मैं बोलूँ क्या, इनको तो देख कर ही मेरे को हंसी आता है यार। इतने महान व्यक्ति जो हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर एक रमेश पोखरियाल जी हैं, वो तो अपना ट्विटर पे बिजी ही रहते हैं कविताएं लिखने में, उनको कहाँ फुर्सत है AMI के केस को हैंडल करने के लिए, उसको सॉल्व आउट करने के लिए, बच्चों के प्रॉब्लम को सुनने के लिए। 1.5-2 लाख बच्चे हैं जो ऑलरेडी AMI कंप्लीट कर चुके हैं और इनकी डिग्री को हर जगह इनवैलिड कर दिया जा रहा है सिर्फ यह बोल करके कि आपका केस सब ड्यूटी से है। इसको लेकर अब क्या बोले, आप ही लोग बताइए। मैं इन आप लोग तो इस चेहरे को अच्छी तरह से पहचान रहे होंगे, ये हमारे एक प्रभु हैं जो अभी तक बच्चों के साथ दुश्मनी निभाए जा रहे हैं। हे प्रभु, आपके चरण कहाँ हैं? आप तो इतने महान हैं कि 1.5 लाख छात्रों का उद्धार आपने ऐसा किया कि वे छात्र कंपटीशन क्वालिफाई कर ले रहे हैं और कोर्ट जाना पड़ रहा है उनको। आपका चरण छूने को मन करता है। जैसे कि आप सभी लोगों को यह पता होगा कि AMI की रिकॉग्निशन के लिए हम लोगों ने कितना ज़्यादा फाइट किया, हम लोगों ने जितने भी तरीके थे वो सारे तरीके अपना लिए हैं, जैसे ट्विटर कंपटीशन चलाना और स्ट्राइक करना। बट स्ट्राइक तो पॉसिबल है नहीं इसमें COVID-19 की वजह से, बट हमारे पास एक अच्छा सा थॉट आया है और उस पर हम लोगों की प्लानिंग चल रही है और फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। इसमें आप लोगों का साथ चाहिए हमें, अगर आप लोगों का साथ रहा तो हो सकता है वो चीज़ सक्सेस हो जाए। तो इसके लिए जो प्लानिंग चल रही है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बना दूंगा और उसके माध्यम से मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि वो प्लानिंग है क्या चीज़, आपको करना क्या है और कैसे क्या करना है। मुझे जहाँ तक लग रहा है अगर उसमें 500 स्टूडेंट्स भी सपोर्ट कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।